हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ लेसन नंबर 5 का स्टडी करेंगे एंड आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट्स, उसके टाइप्स, उसके रोल्स क्या क्या होते हैं, अच्छी एग्रीगेट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमारे वीडियोज़ थे उसमें हमने सीमेंट और सैंड के बारे में पढ़ा था, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा था एंड उसके टेस्ट वगैरह भी पढ़े थे हमने अपने पास वीडियोज़ में। तो आज का हमारा टॉपिक एग्रीगेट है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्रीगेट। एग्रीगेट्स आर मीडियम ग्रेन पार्टिकल्स, ये बेसिकली मध्यम वर्ग के पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सैंड, सेकंड इज ग्रेवल, थर्ड इज क्रस्ड स्टोन या फिर टूटे हुए स्टोन्स, स्लैग्स, रिसाइकल कॉन्क्रीट, जो हमारी साइट पर जो कॉन्क्रीट होती है जो रिसाइकल्ड होकर आती है या फिर जो वेस्ट होता है, या एंड जियो सिंथेटिक एग्रीगेट्स, ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं एग्रीगेट के, जो जिन सबसे मिलके एग्रीगेट हम बनाते हैं। सेकंड, ये नोट में जो लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, एग्रीगेट आर द मोस्ट माइंड मटेरियल्स इन द वर्ल्ड। बेसिकली ये एग्रीगेट्स जब भी हम माइनिंग करते हैं तो माइनिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो मटेरियल निकलता है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज एग्रीगेट। तो बड़ा इजिली और कॉमनली हमें मिल जाता है हर जगह पर ये। देन अगेन हम आते हैं कॉन्क्रीट मिक्स पर। तो जब हम आरएमसी डिजाइन करते हैं या कॉन्क्रीट बनाते हैं तो उसमें हमारा 60-80% का जो वेटेज होता है वो एग्रीगेट्स का ही होता है। ये इसमें क्या वेरिएशन होते हैं, ये कैसे होता है, ये हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियोज में बताएंगे। नाउ हम आते हैं इसके रोल्स पर कि एग्रीगेट्स के रोल्स क्या क्या होते हैं, हम एग्रीगेट यूज क्यों करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये इसमें बताएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा, इट्स प्रोवाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एग्रीगेट हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फॉर द आरएमसी, और जिससे कि हमारे जो सेकंड है हमारा एग्रीगेट से हमारी स्ट्रेंथ हमें मिलती है हमारे स्ट्रक्चर को, जिसके लिए हम इसको यूज करते हैं। थर्ड इज वर्केबिलिटी, एग्रीगेट डालने से हमारी वर्केबिलिटी ऑफ आरएमसी जो कि हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं वो हमारी काफी इंप्रूव हो जाती है और हम इजीली अपना काम कर पाते हैं। एंड फोर्थ जो इसके रोल्स हैं जो हमने मेंशन किए हैं यहाँ पर, दैट इज एबिलिटी टू रिसीव फिनिशेस, इसे मिलाने से हमारी फिनिशेस जो है स्ट्रक्चर की वो थोड़ी अच्छी आती हैं कंपेरिजन टू अदर मटेरियल हम जो मिलाना चाहें उसके कंपेरिजन में। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एग्रीगेट्स, जो कंस्ट्रक्शन में हम एग्रीगेट्स यूज करते हैं तो उसकी क्या क्या गुड प्रॉपर्टीज होनी चाहिए टू प्रोवाइड द फॉलोइंग रोल्स जो हमने अभी आपको बताए, दैट इज स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, फिनिशेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो गाइज ये इसमें हमारे कुछ हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक अच्छे एग्रीगेट की। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी क्लीन, जो हमारा एग्रीगेट जो हम यूज करने वाले हैं वो क्लीन होना चाहिए बिल्कुल, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कोई गंदगी वगैरह दिखे उसके अंदर हमें। सेकेंड ऑफ ऑल हार्ड, वो प्रॉपर उसकी हार्डनेस होनी चाहिए उसके अंदर, जिससे कि जब हम उसे आरएमसी के अंदर मिक्स करें तो एक प्रॉपरली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें हमें। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स, उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो जैसे हमने बताया हार्ड, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जिससे कि जब हम उसके अंदर डालें तो हमारे स्ट्रक्चर को प्रॉपरली स्ट्रेंथ दे पाए। फोर्थ इज नो क्ले कोटिंग, कोई भी मटेरियल जो हमारा एग्रीगेट है उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होनी चाहिए, मिट्टी की जो क्ले की जो हमारी कोटिंग है वो नहीं होनी चाहिए जिससे कि उसकी बॉन्डिंग आरएमसी के अंदर प्रॉपरली बन जाए। फोर्थ इज फ्री फ्रॉम एब्जॉर्ब केमिकल्स, नॉर्मली क्या होता है जब हमारे एग्रीगेट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं से उनमें कुछ केमिकल्स लग जाते हैं जो कि नहीं लगने चाहिए टेक्निकली, और हमारे एग्रीगेट्स में कोई भी केमिकल्स एब्जॉर्ब नहीं होने चाहिए। देन ये 5 प्रॉपर्टीज हैं गुड एग्रीगेट्स की, ये आप याद रखिएगा जिससे कि आपको पता चले कि वो एग्रीगेट हमारे गुड कंस्ट्रक्शन है या नहीं। सेकेंड, इसके बाद हम आते हैं अपने टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स पर कि हमारे किस किस टाइप्स के एग्रीगेट हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में हम लोग 2 तरीके के एग्रीगेट यूज करते हैं, फर्स्ट इज कोर्स एग्रीगेट एंड सेकंड इज फाइन एग्रीगेट। तो इन दोनों डिफरेंस क्या होता है, जो कोर्स एग्रीगेट का साइज होता है दैट इज मोर देन 4.75 mm, दिस इज mm, एंड यूजली इनका जो साइज है वो 9.5 mm डाया से 37.5 mm डाया तक होना चाहिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि फाइन एग्रीगेट जो होते हैं वो क्या होते हैं। फाइन एग्रीगेट वो एग्रीगेट होते हैं जिनका डाया लेस देन 9.5 mm से होता है, बेसिकली ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एंड कोर्स एग्रीगेट हमारे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। हमारे कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हम 20 mm के एग्रीगेट सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जो कि हम मिक्स डिजाइंस में, डिजाइन मिक्स में, नॉमिनल मिक्स में हम सबसे ज्यादा 20 mm एग्रीगेट यूज करते हैं। एंड 40 mm एग्रीगेट्स जो हैं वो हम सिर्फ मास कॉन्क्रीटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि जो हमारे बड़े बड़े
टनल्स वगैरह बनती हैं रिमोट एरियाज में, वहां पर आरएमसी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, एक एक दिन में तुम्हें 4-4, 5-5 हज़ार MT डालना पड़ता है, तो वहां पर हम 40 mm एग्रीगेट यूज करते हैं फॉर मास कंक्रीटिंग। दे प्रोवाइड अस प्रॉपर स्ट्रेंथ जो हमें वहां के लिए अटेन करने के लिए चाहिए होती है। देन बेसिकली हम आते हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने आपको बताया कि 40 mm का जो डाया होता है वो मास कंक्रीटिंग के लिए यूज होता है। अब ये क्यों यूज होता है ये भी हम आपको बताते हैं इस लेसन के थ्रू। लार्जर एग्रीगेट जो होता है वो हमारा सीमेंट और वाटर की कंजप्शन, वाटर की कंजप्शन एंड सीमेंट का रेशियो उसको रिड्यूस करता है। अगर इसका मतलब इसका अगर हम 40 mm एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो हमारा जो सीमेंट है और वाटर है वो कम यूज होगा कंपेरिजन टू जो हम नॉर्मली छोटे डाया के एग्रीगेट्स यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में। तो नॉर्मली जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल, हॉस्पिटल्स, जो भी कमर्शियल्स आप देखते हैं वहां पर हम 10 mm 20 mm की डाया एग्रीगेट यूज करते हैं। एंड इसके टेस्ट क्या क्या होते हैं ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अपने। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज इसको इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जूनियर्स, सीनियर्स, सुपरवाइजर, फोरमैन और सबको बताएं। खासकर जो लोग क्वालिटी वगैरह देखते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में उन सबको डेफिनेटली बताएं इस चैनल के बारे में, इन वीडियोस के बारे में, जिससे कि उनकी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज दोनों इंक्रीज हो और वो अपने फ्यूचर में और अच्छा कर पाएं, जिस और अपनी यही नॉलेज वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में, अपनी जॉब में यूटिलाइज कर पाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।